हाय फ्रेंड्स, आज मैं जयपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही खूबसूरत मंदिर की सैर कराऊंगी। यह जवाहर मार्ग पर है और इसके पास ही मोती डोंगरी के पहाड़ भी है। ये सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसमें लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। देखिए, ये मंदिर के चारों तरफ इस तरह से हरा गार्डन है। गार्डन बहुत ही खूबसूरत है और मंदिर भी, और मंदिर बहुत ही संगमरमर से बना हुआ है। बाहर से जितना ही खूबसूरत, अंदर से उतना ही अच्छा और बहुत ही ठंडा है अंदर से संगमरमर के कारण। और इसके चारों परिसर में इस तरह से गार्डन बना हुए हैं। मंदिर का परिसर भी बहुत ही खूबसूरत है। सुबह यह मंदिर 6 बजे खुल जाता है और दोपहर 12 बजे तक, फिर शाम को 3 बजे से 9 बजे तक। यहाँ पर मंदिर से जुड़ी कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह मंदिर का एंट्रेंस पॉइंट है और मंदिर के परिसर भी आप देख सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसमें एंट्री करके। यह मंदिर श्री ब्रिज मोहन बिरला जी ने 1988 में बनाया था। इस मंदिर से जड़ित कुछ रोचक कहानियां हैं। यहां के महाराजा से यह मंदिर ब्रिज मोहन जी ने सिर्फ 1 रुपए में यह जगह खरीदा था। देखिए, इसकी दीवारों पे ये कितनी सुंदर, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है इसकी दीवारें। इसमें लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है और इसका छत है, ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। दीवारों पे गीता और उपनिषद से कुछ कहानियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर दर्शन के निःशुल्क है। देखिए, यहाँ पर प्राचीन घटनाओं का गीता और उपनिषद से उल्लेख किया गया है। और इसके दरवाजे देखिए, अब दरवाजे कितना खूबसूरत है। ये मंदिर का परिसर है जहाँ पे परिक्रमा करते हैं। देखिए, ये झरोखा है। इसके चारों तरफ परिक्रमा करने का ये स्थान है। मंदिर के चारों तरफ यह भी सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह मंदिर स्टार्टिंग हुआ था 1988 में। संत रामानुजन दास ने और ब्रिजमोहन जी ने इसको स्टार्ट किया था। इसके चारों तरफ उद्यान को देखिए, कितना सुंदर उद्यान है। ऊपर पहाड़ी में एक शिव जी की मंदिर है जो बहुत ही ऊंचाई में है और वहाँ पर सिर्फ एक ईयर में एक बार वो मंदिर ओपन होता है, शिव जी का मंदिर, शिवरात्रि के दिन। वो दिख रहा है, ऊपर पहाड़ों में ही है।